हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे और आपकी YouTube चैनल जय महादेव अकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम में। ठीक है, तो आप लोगों ने पहला वीडियो पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन समझ ली, थोड़ा बहुत रेखी वेग, कोणी वेग सब चीज़ें समझ गए ना। तो चलो आज हम एक इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। अभिकेंद्र त्वरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या होता है अभिकेंद्र त्वरण, समझना गौर से, आराम से समझना। जो चीज़ें ना आए उसको कमेंट में बता दिया करो, और अगर समझ में आ जाए तो सबके पास शेयर कर दिया करो दबा के। ठीक है, चलो तो देखो, जब कोई सर्कुलर मोशन होती है भाई, दो तरह की होती है, एक होती है एक समान वृत्ति गति, एक होती है असमान वृत्ति गति। अगर ये नियत चाल से घूमेगा तो बताओ ये क्या कहलाएगी, एक समान वृत्ति गति। और अगर मान लो इसकी चाल लगातार बदल रही हो, परिवर्ती चाल हो, तो उस चाल को क्या कहते हैं, असमान वृत्ति गति। बात समझ में आ रही ना? तो देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो असमान वृत्ति गति है तो चलो भाई वेग बदलेगा, त्वरण होगा, सोच रहे होगे। लेकिन अगर मान लो कोई कण वी वेग से यहाँ है, वी वेग से यहाँ घूम रहा है, वी वेग से यहाँ भी घूम रहा है, वेग की मैंने दिशा बताई थी कैसे निकालते हैं ना, वी वेग से यहाँ भी घूम रहा है, और इस वेग वी का मान मान लो 4 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है भाई? 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब कहोगे सर जी यहाँ तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। अरे भैया त्वरण की परिभाषा आप लोग सही पढ़े हो, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो वेग नहीं बदल रहा है, हम तब भी कह रहे हैं यहाँ पे त्वरण होगा। कैसे त्वरण होगा समझो, गौर सुनना। देखो जो वेग होती है ना, राज की बात बता रहे, किसी से कहना मत, सदिश राशि होती है, सदिश राशि ना, वेग सदिश राशि है। और सदिश राशियाँ दो बातों पे डिपेंड करती भैया, दिशा पर और परिमाण पर। मतलब अगर परिमाण बदल जाए तो वेग बदल जाएगा, दिशा बदल जाए तो वेग बदल जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो वेग में परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, दिशा के कारण या परिमाण के कारण, दो में से कोई भी एक चीज़ बदलेगी तो वेग बदलेगा। तो हम अब केंद्र त्वरण देखो कैसे आया, वृत्ति गति करता हुआ कोई कण हो, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, वृत्ति गति करता हुआ कोई कण हो, उसके वेग का परिमाण बदले या ना बदले, ये देखो 4 4 4 4, ठीक है, वेग का परिमाण बदले या ना बदले, परंतु दिशा लगातार बदलती है। जब यहाँ पे होगा तो इधर जाएगा, यहाँ पे होगा तो इधर जाएगा, यहाँ पे होगा इधर आएगा, फिर यहाँ पे इधर आएगा, समझ गए ना? तो वेग की दिशा लगातार बदलती है, जिसके कारण वेग में परिवर्तन होता है, और उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लो कि वृत्ति गति करते हुए किसी कण के वेग का परिमाण बदले या ना बदले, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है, और इस त्वरण से उत्पन्न, इस वेग परिवर्तन से उत्पन्न त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात समझ लो, ये अभिकेंद्र त्वरण क्यों कहलाता है, अभिकेंद्र त्वरण। बच्चे लोगों, ये जो त्वरण होता है ना, इस त्वरण की दिशा होती सदैव केंद्र की ओर। देखो यहाँ पे होगा तो इधर लगेगा, यहाँ पर कण होगा तो इधर लगेगा, यहाँ पर कण होगा तो इधर लगेगा, यहाँ पर कण होगा तो इधर लगेगा। मतलब इस त्वरण की दिशा बताओ सदैव कहाँ होनी है, वृत्त के केंद्र की ओर। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट लिख लेना, इसे AR, AC या केवल A से प्रदर्शित करते हैं। AR का मतलब होता है रेडियल एक्सेलरेशन, इसे त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं क्योंकि त्रिज्या के अनुदिश होता है, समझ रहे हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं तो AC से लिख देते हैं, और इसको केवल एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसलिए केवल AC भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आप लोग नोट कर लिए। बाकी त्वरण के खानदान से आए हैं, मात्रा को ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सदिश राशि होती है, सब समझ जाओगे। चलो अब इसका फार्मूला निकालते हैं, रफ कर दें भाई, नोट कर लिए जो नोट करना हो, जो अच्छा लगा करे उसको नोट कर लिया करो, उसके लिए अलग से तुम लोग से पैसा नहीं मांगेंगे, वैसे हम हर बात तो मांग लेते हैं लेकिन ना अच्छा लगे नोट कर लो भाई। ठीक है, चलो अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र निकालते हैं। अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला देख गौर समझना, जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर मोशन हो रही है, क्या हो रही है भाई, सर्कुलर मोशन, कोई कण अभी इस बिंदु A पर है, कहाँ पर है, इस बिंदु A पर, तो इसके वेग की दिशा ये होगी, बोलो हाँ ए होगी ना। और अगर मान लो टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में ये इस बिंदु B पर आ गया, तो बिंदु B पर इसके वेग की दिशा ये होगी। तो देखो अगर मान लो इसका सेंटर हम यहाँ पर ले लें ओ, क्या ले लें ओ, तो O से A को मिला दो, ये इसकी एक रेडियस हो जाएगी, और O से B को मिला दो, ये एक रेडियस हो जाएगी। अच्छा A से B तक गया तो परिधि में चली गई इस दूरी को क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन। भैया जो लोग नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, वो जाके इसका पहला पार्ट जरूर देख लें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो A चला गया, चली गई दूरी क्या होती है, रेखीय विस्थापन। अच्छा इस चित्र से अगर हम दोनों वेगों को बाहर निकालें, चलो बाहर निकलो,
तो इसको जब बाहर निकालोगे तो ए पर बेग इधर था, वी था, और बी वाला बेग ऊपर की ओर इधर की ओर है, तो बी वाला बेग इधर की ओर है। ये ए का बेग है, ये बी का बेग है, हमें दोनों बेगों का परिवर्तन चाहिए। भाई क्या निकाल रहे हो? त्वरण का सूत्र ना, तो त्वरण के लिए आप वेग परिवर्तन निकाल कर समय से भाग दे दीजिए, त्वरण का फार्मूला निकल आएगा। यही तो पढ़ते हो ना, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो इन दो वेगों का परिवर्तन निकाल लो और इस समय टी से भाग दे दो, त्वरण का फार्मूला निकल आएगा। तो बताओ ए पर वेग किधर है? तो ए पर वेग इधर है, ये वाला बी, ठीक है, और बी पर वेग किधर है? तो बी का वेग इधर है, बी का वेग ये वाला हो गया बी। अच्छा यहाँ पे समझो, इन दोनों का वेग परिवर्तन क्या होगा? दोनों के हेड के बीच का डिफरेंस हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, ये हो जाएगा वेग परिवर्तन डेल्टा बी। और अगर इस डेल्टा बी को हम भाग दे दें समय टी से, तो बताओ क्या निकल आएगा? अब केन त्वरण का फार्मूला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले एक बात समझो, अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो भाई ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल हम इसके इक्वल मान सकते हैं, और इसी तरह ये वाला एंगल भाई इसके इक्वल मान सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं भैया? समझो, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। दोनों में क्या हुआ कि तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, और आप लोग जानते हो कि जब दो त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। कक्षा 10 में एक प्रमेय भी पढ़े होंगे कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। अगर ना पढ़े हो तो पीछे नोट करके कहीं लिख लेना, बता देते हैं वहाँ लिखना कहाँ पे, जहाँ शायरी लिखा करते हो। कुछ लोग उस पीछे वाले पेजों पर प्रेम पत्र भी लिख देते हैं ना, चलो जान लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है। मान लो ये त्रिभुज ए बी सी है और ये दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, ये भैया कक्षा 10 का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ लो दो मिनट, बहुत बड़े विद्वान। ए का कोण बी के पी के बराबर है, पी वाला कोण क्यू के बराबर है, और सी वाला कोण आर के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप, सिमिलर ट्राइंगल, ऐसे इसका चिन्ह बनाते हैं, ठीक है, नागिन जैसे बना देना। तो समरूप त्रिभुज समझ गए क्या है? समरूप मतलब देखने में एक जैसे होंगे, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि समरूप त्रिभुजों में जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर, ए के सामने की भुजा बी सी, ए के बराबर कोण है पी, सामने की भुजा क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर बराबर होगा बी के सामने की भुजा ए सी, बी के बराबर कोण है क्यू, क्यू के सामने की भुजा पी आर, तो ए सी बाई पी आर बराबर होगा सी के सामने की भुजा ए बी, सी के बराबर कोण आर, आर के सामने की भुजा पी क्यू। समझ गए भाई बात को? तो जो समरूप त्रिभुज होंगे उसमें भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसको कहीं अलग से नोट कर लो भाई, काम देता रहेगा, तुम लोग को हमेशा काम देगा, ठीक है, शादी ब्याह के बाद भी काम देगा, रफ कर दें। चलिए तो अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे सामने दो त्रिभुज दिखे ओ ए बी और नीचे कौन सा बना है पी क्यू आर, दोनों में भाई क्या है? तीनों कोण आपस में बराबर हैं, समरूप होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी समरूप है, बताओ किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो बताओ इसमें थीटा एंगल के सामने की साइड कौन सी है? एस है, कौन सी है? एस है। और यहाँ पे थीटा एंगल के सामने की साइड कौन सी है? डेल्टा वी है, कौन सी है? डेल्टा वी है। ये जो वन लाइन एंगल बनाया मैंने, इसके सामने की साइड आर है, और यहाँ पर वन लाइन एंगल के सामने की साइड बी है, समझ गए बात को? अगर डबल लाइन एंगल के सामने ले हुए आर आएगा, डबल लाइन एंगल सामने लोगे बी आएगा, तो दोबारा लेने से कोई मतलब नहीं। अच्छा इन लोगों को तो पहचानते हो सबको, ये एस क्या है? रेखीय विस्थापन। डेल्टा वी क्या है भाई? वेग परिवर्तन। आर क्या है? त्रिज्या। वी क्या है? वेग। हमें क्या चाहिए? अब केन त्वरण का फार्मूला, त्वरण चाहिए। तो वेग परिवर्तन बटा समय होता ना, वेग परिवर्तन बटा समय, तो इस वेग परिवर्तन को भाग देते समय से। तो अगर यहाँ से हम केवल डेल्टा वी बराबर निकालें तो इधर चला आएगा, हो जाएगा वी बाई आर इंटू एस। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ टी से भाग दे देते हैं, बुरा ना मानना। डेल्टा वी बाई टी बराबर वी बाई आर इंटू एस बाई टी। देखो दोनों तरफ भाग दिए हैं, इधर भी भाग दिए हैं, इधर भी टी से भाग दिए हैं। अब समझो वेग परिवर्तन बटा समय मिल गया ना त्वरण, इसको क्या कहते हैं? त्वरण ए बराबर वी बाई आर इंटू एस बाई टी क्या है? रेखीय विस्थापन बटा समय। रेखीय विस्थापन बटे समय को रेखीय वेग कहते हैं। तो ए बराबर बताओ फार्मूला क्या हो गया? वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हो गया भाई? वी स्क्वायर बाई आर। देखो कितना प्यारा फार्मूला आया है, ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर, याद रहेगा ना। अब समझो, यहाँ आप समझो, इसको थोड़ा सा कोणीय वेग के पदों में लिखें तो वी बराबर आर ओमेगा होता है। क्या होता है? आर ओमेगा। इसी फार्मूले में आर ओमेगा इसकी जगह रख दें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा,
यही फार्मूला कोणीय वेग के पदों में हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। देखो कितने प्यारे प्यारे फार्मूले हैं, ए बराबर बी स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर, समझ गए सबको? चलो ठीक है भैया, नोट कर लो अगर से जरूरी समझो तो, जरूरी तो है वैसे भाई, हमको तो लगता है। चलो रफ कर दें, रफ कर दें, मिटा दें, चलो फिर आगे चलते हैं। अब केंद्र त्वरण समझ गए भाई। अच्छा इसकी दिशा से दो कहाँ होगी, केंद्र की ओर, किधर होगी भाई, केंद्र की ओर, ठीक है। अब आओ इस पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर लिया करो, ठीक है, वीडियो रोक कर नोट कर लिया करो, ठीक। चलिए आगे आते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बढ़िया प्यारे प्यारे, ठीक है। एक सवाल दिया है बच्चा लोगों, ये मैं लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग भी साथ साथ लिखना। कोई कण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, कोई कण है, ठीक है, कणा लिख दिया था, कण है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, राइटिंग के साथ कंप्रोमाइज करें, बहुत सुंदर लिखते हैं हम। त्रिज्या के पथ पर, त्रिज्या के पथ पर तीन चक्कर प्रति सेकंड, तीन चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम के, तीन चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, ऐसे लिख दो बस हो गया, खत्म कहानी, लगाता है, उसके अभिकेंद्र त्वरण का मान बताओ। सवाल में आपसे पूछा है उसके अभिकेंद्र त्वरण का मान बताओ, ये सवाल है आपका, अभिकेंद्र त्वरण का मान बताओ, तो अभिकेंद्र त्वरण का मान बताना है, ठीक है भाई। बहुत आसान सवाल है, देखो आसान सवाल से ही बड़े सवाल पे पहुंचते हैं हम लोग, पहले आसान लगाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे, बढ़िया इस साल IIT नीट लेवल तक की तैयारी करवाने वाले हैं, तुम लोग परेशान हो। देखो रेडियस दी गई आर का मान 10 सेंटीमीटर, कितना दिया 10 सेंटीमीटर। अच्छा भैया तीन चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में तीन चक्कर ना, और एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या कहते क्या, आवृत्ति, n बराबर हो गया तीन चक्कर प्रति सेकंड। हमसे पूछा क्या है, अभिकेंद्र त्वरण ए का मान बताओ, तो ए बराबर भाई वी स्क्वायर बाई आर, समझो इस फार्मूले को हम बढ़ाते चले जाएंगे, वी का मान क्या होता है 2πRn का स्क्वायर लगा दो बटे आर, तो ये हो जाएगा भैया 4πr² r² n² / r, एक आर एक आर कैंसिल हो गया, तो ए बराबर बताओ कितना आ गया 4πr² r² ये हो गया। अब बताओ बच्चों पाई स्क्वायर का मान हम नहीं रखेंगे, आर का मान 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर रख लेते हैं, ठीक है, चलो, और एन का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 × 4 = 36, 360 पाई स्क्वायर। अच्छा मात्रक क्या होगा, आपने रेडियस को सेंटीमीटर में रखा है, तो इसका यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ इतना आसान सवाल था, आ गया क्या, हमको तो पता ही ना चला कब आ गया, ठीक है चलो आ भी गया है, लगा लो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं, बहुत गर्मी भाई आज, ठीक है मान लेते हैं, माना गर्मी नहीं है, ठीक है, रफ कर देंगे, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन अब केंद्र त्वरण का और लगाएंगे, आज हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं, वीडियो थोड़ा बड़ी होने वाली है, ठीक है, डरना नहीं, पूरा पढ़ के जाना, कहीं भागना उठा नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि कोई कण है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्वेश्चन ये है कोई कण 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर प्रति सेकंड पाँच चक्कर लगाता है। सवाल वाले उल्टा सीधा पता नहीं क्या लिखते, प्रति सेकंड पाँच चक्कर, इसको लिख देते 4-5 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, चलो जान दो छोड़ो, प्रति सेकंड पाँच चक्कर लगाता है तो कण के पहला पार्ट है कोणीय वेग मतलब ओमेगा ज्ञात करना है ना, समझ गए। दूसरा नंबर रेखीय वेग मतलब वी ज्ञात करना है। तीसरा नंबर अभिकेंद्र त्वरण, क्या पूछा भाई, अभिकेंद्र त्वरण मतलब ए का मान बताना है, ठीक है। चलो आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया, त्रिज्या दी गई है आर का मान 6 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति सेकंड पाँच चक्कर, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति, एन का मान 5 चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर लिखना है, चक्कर प्रति सेकंड, ये चक्कर नहीं लिखा, चक्कर लिखा, ठीक। अब इसका कोणीय वेग निकालना है, तो पहले कोणीय वेग निकाल लेते, तो भैया पहला पार्ट कोणीय वेग के लिए ये अब n दिया गया है, r दिया गया, कोणीय वेग ओमेगा बराबर आपने पढ़ा 2πn, पढ़े हो ना,
टू पाई बाई कैपिटल टी होता है, या अगर उसको आवृत्ति के पदों में लिखो तो टू पाई एन होता है। तो यहाँ पे टू पाई एन, टू पाई का मान नहीं जानित, एन का मान कितना है भाई, पाँच है, तो पाँच दूनी हो जाएगा दस पाई। इसका यूनिट बताओ भैया रेडियन पर सेकंड, क्या होता है रेडियन पर सेकंड। दूसरा पार्ट आ जाओ, क्या पूछा है इसका रेखी वेग बताओ, तो रेखी वेग v बराबर टू पाई आर एन, यही पढ़ते हो ना टू पाई आर एन। तो यहाँ पे बताओ टू इन टू पाई का मान नहीं पता, r का मान कितना है 6 सेंटीमीटर और n का मान है 5, 6 पंचे 3 दूना 60, 60 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सब हम सेंटीमीटर में ही निकालेंगे, हमें यूनिट वूनिट नहीं चेंज करना, कोई ज़रूरी नहीं चेंज करो, चाहे ना चेंज तुम्हारी मर्जी, मन हो तो कर लेना। तीसरा क्या पूछा है अभिकेंद्र त्वरण a का मान, अभिकेंद्र त्वरण a बराबर बताओ भाई क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, और इसी को अगर हम v का फार्मूला, v का मान रख देते 60 पाई सीधे सीधे 60 पाई का स्क्वायर, और बटे आर का मान कितना है भाई, आर का मान 6 था तो 6 रख लो, तो ये हो जाएगा 3600 पाई स्क्वायर बटे 6, 6 से काटोगे 600, तो a बराबर आ गया बताओ कितना 600 पाई स्क्वायर। अच्छा इसका यूनिट क्या लिखोगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया बताओ क्या अभिकेंद्र त्वरण। समझ में आया कि नहीं आया सबको, ठीक है नोट कर लो एक क्वेश्चन ये वाला भी, ठीक है ढेर सारे क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग, रफ कर दें मिटा दें आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ हम लोग समझेंगे, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम जाने मन मोहब्बत की कसम की कसम ना जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। चलो शुरू करते हैं आ जाओ। तो यहाँ पर अगला एक दिया गया है स्पर्श रेखी त्वरण, क्या है स्पर्श रेखी त्वरण, इसको समझ लेते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन मेरे सामने आ गए इसलिए मैं समझ लेता हूँ स्पर्श रेखी त्वरण क्या होता है, कुछ बुक्स में ही मिलेगा ये, ठीक है इसको समझो। तो भैया एक समान बत्ती गति में, तो आप लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा, एक समान बत्ती गति में वेग v का मान नियत होता है, ये कॉन्स्टेंट होगा, इस पर एक त्वरण लगता है केंद्र की ओर, जिसको हम क्या कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। अब समझो अगर मान लो इसके वेग का परिमाण बदल रहा हो, मतलब कोई वृत्ति गति ऐसे हो, ये समझना यहाँ पर वेग v1 है, यहाँ पर वेग v2 है, यहाँ पर वेग v3 है, मतलब वेग का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, तो एक त्वरण तो इस वेग परिवर्तन के परिमाण के सॉरी वेग में परिमाण परिवर्तन कारण उत्पन्न होगा। अब उस त्वरण की दिशा कहाँ होती है, तो उस त्वरण की दिशा होती भैया वेग की दिशा में, कहाँ होती है वेग की दिशा में। तो जैसे मां समझो बात समझना, ये एक वृत्ति गति हो रही है, तो एक त्वरण तो इसके केंद्र की ओर लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ए आर से लिखते हैं, उसकी दिशा किधर है इधर की ओर। और अगर मान लो इसका वेग लगातार बदल रहा है, तो इसके एक त्वरण की दिशा इधर भी होगी, उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखी त्वरण। स्पर्श रेखी त्वरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी दिशा वृत्ताकार मार्ग के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्पर्श रेखी त्वरण। अगर वेग का परिमाण बदले तब ये त्वरण होगा, सवाल में आपको दिया जाएगा कि वेग इस दर से बदल रहा है, तो आप उस हिसाब से उस टी ए टी का मान निकाल लेना। अच्छा कभी कभी क्या होता है ये त्वरण भी होता है ये त्वरण भी होता है, और इन दोनों त्वरणों का परिणाम ही पूछ लेता है ए का मान। तो भैया यहाँ पर जब ए का मान निकालोगे तो इधर देखो अंडर रूट ए आर स्क्वायर लगाओगे ए टी स्क्वायर लगाओगे, ठीक है 2 AR AT cos 90 रखोगे, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस त्वरण का परिमाण परिणामी आ जाएगा दोनों का ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, यदि वेग का परिमाण लगातार बदल रहा हो तो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में एक त्वरण होता है, जिसे हम स्पर्श रेखी त्वरण कहते हैं, ठीक है। और किससे लिखते हैं ए टी से, किससे लिखते हैं भाई ए टी से, और एक त्वरण केंद्र की ओर होता है जिसको कहते हैं ए आर रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। दोनों का परिणामी ए बराबर होता है रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। समझ में आया सब लोगों को, ठीक है चलिए मिटा दें। आओ इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारा सा, रफ कर दें सब नोट कर लो जो नोट करना हो। आओ इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन रफ कर देते हैं भाई, ठीक है रफ करने के बाद आओ देखो समझो। इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन ये है मेरे सामने, लिख रहा हूँ तुम लोग इसको नोट कर लेना।
क्वेश्चन ये है कि एक मोटर कार 20 मीटर पर सेकंड की गति कर रही है 400 मीटर वृत्ताकार मार्ग पर। ऐसे लिख देते, एक मोटर कार, सवाल लिख लो तुम लोग, मोटर कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 400 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर पथ पर गति कर रही है। इतना लिख लेते हैं, गति कर रही है। फिर आगे दिया है कि इसकी गति 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है। इसकी गति 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के दर से बढ़ रही है कि बढ़ रही है। ठीक है, परिणामी त्वरण बताओ। सवाल में परिणामी त्वरण बताओ। अब ये क्वेश्चन जब आ जाता, बच्चा स्पर्शरेखीय त्वरण नहीं पता, तो कहता है ओए बी दिया है, आर दिया है, अब तो सवाल आ गया। अब बेटा वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक त्वरण यहाँ से आ गया, एक त्वरण दिया गया, फिर दोनों त्वरणों का परिणाम ही निकालेंगे। समझना गौर से, यहाँ पे ये मान लो 400 मीटर त्रिज्या का पथ है, मान लो रेडियस आर है, और ये रेडियस आर का मान कितना दिया गया भाई, आर का मान दे दिया है 400 मीटर। ठीक है, कण का वेग भी दिया गया है, वेग दिया गया कितना दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड, दिया है 20 मीटर पर सेकंड वी का मान। ठीक है, ये आर है, तो वी का मान हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले इसके अभिकेंद्र त्वरण का मान निकालो। जैसे इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट पे एक त्वरण होगा अभिकेंद्र की ओर, तो उस त्वरण ए आर का मान पहले निकालो। तो अभिकेंद्र त्वरण ए आर बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, आर का मान कितना है 400 है, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो बताओ त्वरण का मान कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका स्पर्शरेखीय त्वरण कितना है, ये दिया गया कि उसकी गति बढ़ रही है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका ये वाला त्वरण टेंजेंशियल बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका मान ए टी का दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों का परिणामी देखो, ये ए आर है, अब केंद्र त्वरण ये क्या है, ए टी है, स्पर्श रेखीय त्वरण। आपको दोनों त्वरणों का परिणामी चाहिए, तो परिणामी त्वरण ए बराबर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा रूट ऑफ, बताओ कितना, 1 1 दो बार लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो रूट टू मतलब 1.414 ना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होगा परिणामी त्वरण। अच्छा परिणामी की दिशा कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में, ये होगी परिणामी की दिशा, समझ गए, ये है परिणामी। ठीक है, तो ये हो गया भैया अब केंद्र त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण। बताओ समझ में आ गया ना सब लोगों को, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, मिटा दें इसको। देखो आगे अब ये समझो कि अगली हेडिंग डाल लो, अभिकेंद्र बल क्या होता है, हेडिंग डाल लो अभिकेंद्र बल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसको थोड़ा गौर समझना, बहुत काम की चीज़ है। हमने क्या देखा कि जब कोई कण वृत्ति गति करेगा तो इसके पास भाई द्रव्यमान तो होना ही, कण है तो द्रव्यमान होगा, और यहाँ पर एक त्वरण भी लगता है, किधर, केंद्र की ओर, कहाँ लगता है, केंद्र की ओर, और इसका मान भी आप लोगों ने पढ़ लिया वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो द्रव्यमान है और त्वरण है, तो हमारे न्यूटन भैया ने एक बात बताई थी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणते त्वरण, मतलब जहाँ द्रव्यमान हो और वस्तु में त्वरण हो तो वहाँ पर बल भी होता है। तो इसका मतलब है कि इस वृत्ति गति में बल होगा। अब देखो ये बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है, और आप लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पर त्वरण नहीं होता भैया, यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण होता है। क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। तो यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण है, तो अभिकेंद्र केवल ये बता रहा है कि केंद्र की ओर होना चाहिए, तो इसलिए इस वाला बल भी किधर होगा, बताओ केंद्र की ओर, तो इसलिए इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। मतलब आप अभिकेंद्र बल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि वृत्ति गति करते हुए किसी कण पर, सुन लो, वृत्ति गति करते हुए किसी कण पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। एफ से लिखेंगे, एम से लिखेंगे, इसका मान वी स्क्वायर बाई आर, तो बताओ अब केंद्र बल का फार्मूला क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई आर। समझ में आई बात, या इसी को और आगे थोड़ा बढ़ा दें तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आई बात, तो अब केंद्र बल, अच्छा बात समझो, अब केंद्र बल के बहुत सारे उदाहरण, अब केंद्र बल के बिना वृत्ति गति संभव नहीं होती है,
कहीं पर भी कोई भी सर्कुलर मोशन होगी तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लगा होता है। जैसे याद करो, बचपन में जब आप एक डोरी ले लेते थे, डोरी से एक पत्थर को बांध करके ऐसे घुमाते थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे, किसी भी तरह से घुमाते थे, तो जब आप उसको घुमाते थे ऐसे, तो समझो जब पत्थर यहाँ होता डोरी का, डोरी इधर तनी रहती थी, पत्थर यहाँ पर तो डोरी इधर तनी रहती थी, पत्थर यहाँ पर तो डोरी इधर तनी रहती थी, पत्थर यहाँ पर तो डोरी इधर तनी रहती थी। तो यहाँ पर डोरी में तनाव बल जो उत्पन्न होता है, ठीक है, डोरी का तनाव बल ही क्या दे देता है, अब केंद्र बल दे देता है। याद करो, अगर ऐसे पत्थर घूम रहा है ऐसे, और अगर डोरी यहाँ पे टूट जाए तो पत्थर तुम्हारे मुंह में लगेगा, समझे रहना, ठीक है। ऐसे पत्थर कहाँ लगेगा, तुम्हारे मुंह में, समझ गए। पत्थर उसके बाद यहाँ पे डोरी टूटी तो फिर ऐसे नहीं घूमेगा, फिर यहाँ से वो सीधा जाएगा ऐसे, समझ गए ना। तो ये होती भैया आप केंद्र बल का एक उदाहरण ले सकते हो। दूसरा उदाहरण समझो, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिया करो, ठीक है। दूसरा उदाहरण समझो, जैसे हमारी पृथ्वी माता, पृथ्वी माता चक्कर लगाती है सूर्य का, सदियों से लगाई चली जा रही है, पता नहीं कौन सा चक्कर है और किस चक्कर में चक्कर लगा रही है, भगवान जाने, समझो। तो ये हमारी पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है, और सूर्य के चारों ओर ऐसी कक्षाएं हैं, उसमें कक्षा तीन में हमारी धरती माता चक्कर लगाती है, कक्षा तीन में धरती माता चक्कर लगाती है। अब भैया ये सर्कुलर मोशन क्यों करती हैं, लगभग सर्कुलर मोशन होती है, तो ये सर्कुलर मोशन क्यों करती हैं, तो यहाँ पे समझो पृथ्वी भी के पास एक द्रव्यमान है, सूर्य के पास भी द्रव्यमान है, और ये पृथ्वी कोई एक किलो की नहीं है, इसका द्रव्यमान जानते हो कितना है, 6.0×10^24 किलोग्राम, मतलब कोई माई कलाल नहीं जो पृथ्वी को उठा सके, कृष्ण भगवान उठाए थे ना, हाँ जान तो गए तुम लोग। चलो तो ये देखो क्या है, पृथ्वी है और ये सूर्य है, दोनों के पास द्रव्यमान है, और दोनों के पास द्रव्यमान है तो न्यूटन भैया ने एक बात बताई थी, गुरुत्वाकर्षण नियम, और इनका गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लग जाता है। न्यूटन भैया बहुत अजीब आदमी थे, G m1 m2/r² बताए थे ना। तो यहाँ पे देखो, इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान के बीच में दूरी है, द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और इस बल से दो पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो पृथ्वी माता को हमारे सूर्य देवता खींच रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, इधर की ओर खींच रहे हैं, बात समझ। जब पृथ्वी माता यहाँ होंगी तो सूर्य देवता इधर की ओर खींचेंगे, पृथ्वी माता यहाँ होगी तो इस पर सूर्य देवता का आकर्षण बल इधर लगेगा, समझ गए। तो यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि अभिकेंद्र बल का काम करता है, और यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर बत्ती गति करती है। बात समझ में आई सबको, कोई डाउट किसी को। इसके बाद इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। आपने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम का स्ट्रक्चर, एटम में क्या होता है, एटम में भाई ये एक नाभिक होता है, क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में कौन कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन बेचारे बहुत गरीब होते हैं, प्रोटॉन पे धन आवेश होता, बहुत बड़े आदमी हैं, और इनके चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं, और इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये बाहरी कक्षा वाले आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मतलब कहीं पर भी चले जाते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं क्यों भैया, ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। तो समझना, प्रोटॉन पे बाबू साहब होता है धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, और आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर एक ये धन आवेश है और दूसरा ये ऋण आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन का धन आवेश, इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश, दोनों के बीच लगता है कौन सा बल, अट्रैक्शन का फोर्स, ये वाला, ये इसको अट्रैक्ट करता है। मतलब ये जो बैठे बैठे नाभिक में प्रोटॉन बैठे हैं ना, ये बैठे बैठे सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो बल इधर लगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो बल इधर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो बल इधर, समझ गए। तो केंद्र की ओर लगने वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का वैद्युत बल, वैद्युत बल, ये जो आवेशों के बीच बल लगता है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत बल। वैद्युत बल के कारण यहाँ पर बत्ती गति होती है, और इस वैद्युत बल से अब केंद्र बल मिलता है। अगर मान लो यहाँ पे वैद्युत बल ना लगता होता तो इलेक्ट्रॉन आवारा गर्दी करते, मतलब यहाँ से पता नहीं कहाँ चले जाते, वहाँ भी घुस जाते, ठीक है, छोड़ो जान दो। तो ये इलेक्ट्रॉन की गति में अब केंद्र बल समझ में आया। और इसके एक उदाहरण आपको बता दें, आप लोग जैसे देखो समझना, एक उदाहरण बताते हैं, गाड़ी, ये आपकी गाड़ी का पहिया है, मान लीजिए आप आगे की ओर इधर की ओर आ रहे हैं, इधर मेरी तरफ आ रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के पहिए का मोशन ऐसा होता है, और होता क्या, जैसे कीचड़ उचड़ा कहीं गाड़ी फंसी, तो गाड़ी में मडगाड़ यहाँ पे लगाया जाता है, मडगाड़ यहाँ पे लगाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, उसे मडगाड़ कहते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी के अर्थी उठाने तुले रहते हैं, मेडीगार्ड बोलते हैं, मडगाड़ होता है समझो।
तो यहाँ पे ये जो कीचड़ होता है वो गाड़ी के संपर्क में आता है, पर भैया कीचड़ का केंद्र से कोई कनेक्शन तो है नहीं कि सर्कुलर मोशन करे। यहाँ पे कोई डोरी से तो कीचड़ बंधा नहीं है कि वो सर्कुलर मोशन बढ़िया आराम से करेगा। तो आपका पहिया तो इधर ऐसे घूमता है, लेकिन ये इसको कहीं से अब केंद्र बल नहीं मिलता, इसलिए यहाँ से ये स्पर्श रेखी गति करता है इधर, मतलब समझ रहे हो। अगर गाड़ी में मडगार्ड ना लगा हो तो आपके गाड़ी का कीचड़ उछल करके आपके पीछे आ रहे अंकल जी को बहुत अच्छी शोभा देगा, ठीक है, पीछे आ रहे अंकल जी को बहुत बढ़िया शोभा देगा, पूरा कीचड़ स्पर्श रेखी गति करते उनके मुंह पे जाएगा, ठीक है। यह समझो, और एक चीज़ समझो, अगर मान लो अगले वाले गाड़ी में ना लगवाएं, मान लो ये अगला टायर है, अगला टायर पे मडगार्ड यहाँ लगा होता है ना ऐसे, और तुम बीच में बढ़िया आराम से चला रहे हो, तो यहाँ पर अब अगर मान लो इस वाले गाड़ी में टायर वो मडगार्ड ना लगवाएं तो यहाँ का कीचड़ हमारे मुँह को सीधे संपर्क करेगा, समझ रहे हो बात को। हम भी बढ़िया सज धज सकते हैं, अगले वाले आप टायर पे मडगार्ड ना लगवाइए, आप भी सज धज जाएंगे। तो ये सब समझ में आ गया होगा आप लोग के। अब केंद्र बल के उदाहरण, अब केंद्र बल समझ गए, अब केंद्र बल के उदाहरण समझ गए, अब केंद्र बल पर एक सवाल कर लेते हैं, और इसके बाद एक चीज़ और समझना, एक प्रकार का बल और लगता है वृत्ति गति में, जिसे अपकेंद्र बल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते भाई, फिर आगे चलते एक सवाल, अगर कुछ ज़रूरी समझा करो तो इस तरह के उदाहरण आप लोग बुक से पढ़ लेना, ठीक है, ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, इससे क्या होता है ना सब सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, 5 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण, क्वेश्चन ये है 5 ग्राम, क्वेश्चन राइटिंग समझ जाना भाई, द्रव्यमान का कोई कण, द्रव्यमान का कोई कण, ठीक है, सवाल में ये लिखा है कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर, आधा चक्कर प्रति सेकंड, आधा चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है, की दर से घूमता है। सवाल वालों ने आपसे पूछा कण का त्वरण क्या है, कण का त्वरण क्या है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें पूछा गया है कण पर लगने वाला केंद्र बल का मान, और इसके साथ साथ अभिकेंद्र बल का मान भी बताना है, अभिकेंद्र बल का मान भी क्या होगा। तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आराम से सब लोग समझना, समझ में ना आए बताना, पैसा वापस कर देंगे, लेकिन पहले जमा कर दो तब जब वापस होगा। तो यहाँ पे देखो भैया त्रिज्या आर का मान दिया गया 25 सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो ये 1/4 मीटर आएगा। फिर कह रहा है आधा चक्कर पर सेकंड, एन का मान, एक सेकंड में चक्कर की संख्या दी आधा, आधा मतलब 1/2, तो आधा चक्कर प्रति सेकंड। तुमसे दो चीज़ पूछा, पहले इसका त्वरण बताओ और त्वरण के बाद इसके अपकेंद्र बल बताओ, अच्छा द्रव्यमान भी दिया है, वाह वाह, द्रव्यमान एम का मान दिया गया 5 ग्राम, मात्र 5 ग्राम, 5 ग्राम को किलोग्राम बदल लो, 5/1000 किलोग्राम हो जाएगा, मतलब 1/200 किलोग्राम। तो पहले हम इसका त्वरण निकालते हैं, त्वरण ए बराबर होता वी स्क्वायर अपॉन में आर, और अगर वी को हम 2πrn रख दे तो ये हो जाता 4π² rn² ये ए का मान होता है, 4π का मान हम नहीं रखेंगे, आर का मान भैया कितना है 1/4 है, एन का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो त्वरण ए का मान आ गया π² / 4। अच्छा इसका मात्रक क्या लगाओगे त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमें बल भी ज्ञात करना है, बल का मान बताओ mv² / r होता है ना, और v² / r का मान आपने पूरा पूरा निकाल लिया, कितना है π² / 4, तो बताओ यहाँ पे m का मान रख देंगे 1/200 × π² / 4, तो हो जाएगा बल का मान π² / 2 = 800 न्यूटन, इतना बल लगेगा, समझ गए। अब आप लोग गुणा भाग यार खुद किया करो, मैं ज़्यादा गुणा भाग नहीं करता हूँ, फिजिक्स सिखाता हूँ, मैथ नहीं सिखा रहा हूँ भाई, अभी मैथ भी पढ़ाएंगे बाद में पढ़ाएंगे, रफ कर दें, ये रफ कर दें, मिटा दें। अब अगली चीज़ हम लोग समझेंगे अपकेंद्र बल, बहुत धुआंधार बल है, बहुत धांसू बल है, मतलब जिसे कहा जाए अपकेंद्र बल, बहुत काम की चीज़ है, समझना गौर से, ठीक है, ना समझ में आए तो बताना भैया। अपकेंद्र बल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, FEGUEL ऐसे शायद होता है फोर्स, ये क्या होता है अपकेंद्र बल, समझना। इसके लिए एक बढ़िया उदाहरण लेते हैं, उदाहरण समझ में आएगा ये। मान लो बच्चा लोगों, ये एक मेज है,
वृत्ताकार मेज है, इसे गोलाकार मेज है पूरा, ठीक है। और मेज के बीच में मेज लग रही है, अभी नहीं लग रही तो लो अब लगेगी, ये एक मेज है। यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है बीच में, ये कोई पोल लगा है, आर पार पोल लगा हुआ है। जैसे आप लोग देखोगे गोवा हम लोग जब जाते हैं तो इसी तरह मेज होती है, बीच चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं, बीच में छाता लगाने के लिए लगा रहता है ना, उस तरह वाली मेज है। और मेज में हम थोड़ा फिजिक्स घुसेड़ देते हैं, समझना क्या करते हैं, इसके नीचे हम एक इलेक्ट्रिक मशीन लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं। मोटर का सिस्टम यह है कि अगर हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो ये मोटर इस मेज को ऐसे ऐसे घुमाएगी, क्या करेगी ऐसे ऐसे घुमाएगी, समझ रहे हो बात को। अब अगर मान लो यहाँ पर हम एक आदमी को बैठा दें, समझना भाई, यहाँ पर इनको बैठा दिया और इनको बैठाने के बाद हमने, अच्छा पोल नहीं घूमता है, समझना पोल ऐसे रुका है, पोल के चारों ओर ऐसे क्या घूम रही, मेज घूम रही है। हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन किया तो जैसे ही मेज घूमना शुरू की कुछ देर के बाद ये भैया जी हमको यहाँ मिले। हमने पूछा क्या हुआ, समझो यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा था तो उन्होंने कहा चले थे वृत्ति गति करने, केंद्र से कोई कनेक्शन नहीं था, केंद्र से कोई कनेक्शन नहीं था, कहीं से अब केंद्र बल मिल नहीं रहा था, कोई आवेश उवेश था नहीं इनके ऊपर, ठीक है, तो केंद्र से तरफ कोई बल नहीं लग रहा था इसलिए वृत्ति गति नहीं कर पाए, नीचे गिर गए धड़ाम से। और इनसे पूछो कि भैया क्या हुआ, तो ये क्या बोलेंगे, ये कहेंगे भैया जैसे ही आपने इधर ये स्विच ऑन की वैसे ही हमको लगा कि हमको किसी ने मेज से उठाकर बाहर फेंक दिया हो, इनको लगता है किसी ने उठाकर बाहर फेंक दिया, बाकी वहाँ पे कोई था नहीं, इन्होंने अपना हाल बयां किया कि हमको किसी ने उठाकर बाहर फेंक दिया, समझ गए। हमने दूसरी बार क्या किया कि इनको एक रस्सी दे दी, यहाँ पे रस्सी बांधी और रस्सी इनके हाथ में पकड़ा दिया, ऐसे इन्होंने पकड़ लिया। और फिर यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद हमने जब देखा कि मेज तेज़ी से घूम रही हो तो इन भैया ने तुरंत बताया कि देखो अब डोरी का तनाव बल केंद्र की ओर, अब केंद्र बल दे रहा है इसीलिए ये अब वृत्ति गति बढ़िया आराम से कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा इनसे हमने पूछा अब आप कैसा फील कर रहे हैं, तो ये घूम तो पा रहे थे पर ये ऐसे थे, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना कि इनकी स्थिति सही नहीं थी। इन्होंने कहा कि भैया जो उस समय ऊपरी चक्कर या ऊपरी आत्मा का मेरे ऊपर वास था, जिन्होंने मुझको उठाकर बाहर फेंका था, उसका इफेक्ट अब भी मेरे ऊपर है, लेकिन फ़र्क काहे का है कि मैं रस्सी पकड़ा हूँ, शुक्र मनाओ इस रस्सी का जिसके कारण हम रुके हुए नहीं, उठा के बाहर फेंक दिए अभी, ठीक है। तो जब कोई कण वृत्ति गति करता है, इसको एक कण मानूँ, तो इसको एक बल का आभास होता है किधर, केंद्र से बाहर की ओर, और भैया इस बल को कहते हैं अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। तो अपकेंद्र बल क्या होता है बच्चे लोगों, जब कोई कण वृत्ति गति करे, खुद करे, समझ रहे हो ना, तो उस पर एक केंद्र से बाहर की ओर बल का आभास होता है, बल होता नहीं है केवल आभास होता है, और इस बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। तो अपकेंद्र बल की एक डेफिनेशन लिख लो कि वृत्ति गति करते हुए किसी कण पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले आभासी बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं। कुछ पॉइंट समझ लो भैया, ये पहली बात आभासी बल है, मतलब आभास होता है केवल वास्तव में होता नहीं है। इस बल को हम छद्म बल भी कहते हैं, छद्म बल। अच्छा ये छद्म बल क्या होते हैं, पेस्किडो फोर्स बोलते हैं, छद्म बल वे बल जो होते नहीं हैं पर लगते हैं। अरे सर ये आप क्या बता रहे हैं, होते हैं पर लगते नहीं हैं, समझो जब तुम कभी बस में यात्रा किए होगे तो याद करिए आप खड़े हैं, ये आपके पीछे आगे एक व्यक्ति और खड़े हैं, एक व्यक्ति पीछे भी खड़े हैं। अच्छा ड्राइवर ने अचानक अगर बस चला दी तो आप सब लोग जो है पीछे को झुक जाते हैं, झुकते हो ना इसे पीछे की ओर। अब बताओ वहाँ पर किसी ने आपको धक्का नहीं दिया पर आप पीछे को झुके, आपके शरीर पे बल लगा, तो ऐसे बलों को कहते हैं छद्म बल। या मान लो चलती हुई बस में ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, ड्राइवर ने क्या लगाई, ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने पर आप पूरा शरीर सहित आगे झुक जाते हो, ऐसे झुकते हो ना ऐसे, तो बताओ आपको पीछे वाले धक्का नहीं मारा, बस आप ऐसे झुके पीछे मुड़कर दो घंटा आप जमा दो, गंदी बात होगी बेटा, ये गंदी बात दोबारा मत करना, ठीक है। तो समझो जब आप आगे झुके तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कोई बल था नहीं पर एक बल लगा आपके ऊपर, तो जो बल वास्तव में होते नहीं हैं पर केवल उनका अनुभव होता है उनको कहते हैं आभासी बल, और इस आभासी बल को छद्म बल भी कहते हैं। तीसरा नंबर समझ लो, वास्तव में देखो क्या होता है, आप केंद्र बल जो है ये जो है अभिकेंद्र बल की कमी के कारण उत्पन्न होता है, अभिकेंद्र बल की कमी के कारण उत्पन्न बल होता है, समझ गए बात को, तो ये अपकेंद्र बल हो गया आपका। अच्छा इस पे कुछ डिवाइस बताते हैं आप समझिए, अब बचपन में खेल खेला करते थे, याद करिए बचपन में आपका एक खेल था, इसको रफ कर देते हैं, कुछ जरूरी समझो नोट कर लिया करो भाई, ठीक है। ये
आप लोग क्या करते थे, एक बाल्टी में ऐसे पानी भर लेते थे और उसको फिर तेज़ी से ऐसे ऐसे हाथ से घुमाया करते थे। अब वो बाल्टी देखो यहाँ पहुँच जाती थी, यहाँ पर यहाँ पहुँच जाती थी, ठीक है, ये पूरी बाल्टी यहाँ आ जाती थी। ऐसे ऐसे आप घुमाते रहते थे पकड़ कर हाथ से अपने, तो बाल्टी यहाँ आ जाती थी और इसके अंदर पानी भरा होता था। और लेकिन ये पानी कभी नीचे नहीं आता था। कारण क्या है पता है? ये पानी जो है ये वृत्ति गति करता हुआ एक कण मान लो, इस पर केंद्र से बाहर की ओर एक बल लग रहा है जिसे कहते हैं आप केंद्र बल। और अगर मान लो इस बल का मान पानी पर लगने वाले गुरुत्व बल से ज़्यादा है, एफ जो है एफ जी से ज़्यादा है, ये वाला बल इससे ज़्यादा है, तो ये पानी पर परिणामी बल उधर होगा ना भाई, तो ये नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा एक बात और समझो, ये बल जो होता है विकेंद्र बल की कमी के कारण, और इसका मान क्या होता है mv²/r, ठीक है, ये डिपेंड करता है वी स्क्वायर पर, या मोर आर तो अलग बात है, वी स्क्वायर पर। आप याद करिए जब आप तेजी से घुमाते हो तब बाल्टी का पानी नहीं गिरता। अभी आप बाल्टी भर करके आराम से धीरे धीरे राम धुन लगाते हो ऐसे जाओ, जब यहाँ पहुँचे हो तुरंत स्नान कर लोगे, तुरंत आप लोग नहा धो लोगे, ठीक है। तो जब आपको नहाने धोने का मन करे तो एक बाल्टी में पानी भरो, बड़े प्रेम से ऐसे ले जाओ, वी का मान घटा दो, बल का मान घट जाएगा, गुरुत्वीय बल ज़्यादा हो जाएगा और आप यहाँ पे आराम से क्या कर लोगे, नहा डालोगे। ये नहाने का एक तरीका बता दिया, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे याद करो हम लोग जिस गांव में रहते थे, हमारे गांव में होता था कि ऐसे एक मथनी होती थी, मतलब समझो वो दूध से मक्खन निकालने का सिस्टम होता था। तो करती क्या थी, हमारे घर में दादी लोग थी और वो लोग क्या करती थी, इस तरह का एक बर्तन होता था, इसके अंदर दूध भर लेते थे और फिर यहाँ से एक लकड़ी का वो होता था, अभी आप लोग के यहाँ शायद हो, तो इसके नीचे ऐसे गोल गोल कुछ लगा देते थे और इसको पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमाते थे खूब तेज़ी से। आजकल तो ये भी सब मशीन से होने लगा, ऐसे ऐसे घुमाते थे। तो जब ऐसे ऐसे घुमाते थे तो दूध में मक्खन के कण होते थे, या तो यहाँ चिपक जाते थे या तो बर्तन की दीवारों पर चिपके रहते थे, बीच में कोई मक्खन का कण नहीं होता था यहाँ पर। क्यों नहीं होता था भाई? तो समझो जिन मक्खन के कण इस डंडे से चिपक गए तो उनको अभी केंद्र बल मिल रहा है तो वृत्ति गति कर लेंगे, और जिन कणों को अब केंद्र बल नहीं मिला उन पर केंद्र से बाहर को आभासी बल लगा और वो सब जाके कहाँ चिपक गए, बर्तन की दीवार पे। समझ माई बात? तो ये कारण होता है कि दूध में यहाँ पर यानी या तो दूध के मक्खन कण या तो मथनी में चिपके होंगे या तो बर्तन में चिपके होंगे। क्लियर हुआ ये सब एग्जांपल? एक उदाहरण और लेते हैं, बढ़िया उदाहरण लेटेस्ट ले लेते हैं, सब पुराने ज़माने वाले उदाहरण हैं। आपने आजकल वॉशिंग मशीन देखी होगी, खूब लोग यूज भी करते होंगे। भाई हमारे यहाँ नहीं है, कारण क्या है ना, अभी बेटा हमारी शादी उदी हुई नहीं है, हम सोच रहे हैं शादी में वॉशिंग मशीन तो कम से कम मिलेगी ना, वॉशिंग मशीन मिलेगी, दो वॉशिंग मशीन मिलेगी, एक आर्टिफिशियल वॉशिंग मशीन एक नेचुरल वॉशिंग मशीन दोनों कपड़े धोएंगी, चाहे वो आर्टिफिशियल हो और चाहे नेचुरल हो, कपड़े धुल देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आजकल वॉशिंग मशीन में ड्रायर लगा होता है, ड्रायर का मतलब जो कपड़े सुखाता है। उसमें होता क्या है कि आजकल के वॉशिंग मशीनों में भैया ऐसे आप कपड़ा डाल दीजिए, वो अंदर धुल भी जाएगा, धुल करके वो सूख भी जाएगा और बाहर निकल आएगा। कुछ दिन बाद ऐसी मशीन एक आएगी जिसमें आप जो है जब आप गंदा समझे अपने आप को तो घुस जाइए, और घुसने के बाद उसमें घुसे रहिए आधे घंटे तक, और वो मशीन आपके कपड़े उतारेगी, कपड़े उतार कर आपके कपड़े को धुलेगी, आपको धुलेगी, धुलने के बाद आपके कपड़े में प्रेस करेगी, आपको कपड़ा पहनाएगी, नहला धुला कंघा शीशा कर करके आपको बढ़िया बाहर एकदम राजा बेटा बना के निकालेगी, राजा बेटा या रानी बेटिया बना के निकाल देगी, ठीक है। ये मशीन बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, ठीक है। तो समझो ड्रायर क्या होता है, ड्रायर में एक बेलनाकार बर्तन होता है जो कपड़े सुखाने के लिए लगा होता है, वॉशिंग मशीन में बेलनाकार बर्तन होता है और इसकी दीवारों पर बेटा छिद्र होते हैं, ये पूरी दीवार एकदम छिद्र किए होते हैं इसमें, और नीचे मोटर लगी होती है, फैन ऑन भी लगा होता है। तो जब आप इसमें कपड़ा डालते हो तो कपड़ा क्या होता है, इसकी दीवारों से चिपक जाता है, इसकी जो दीवारें ना इसमें कपड़ा चिपक जाता है और फिर तेज़ी से घूमता है। अब तेज़ी से घूमता है तो कपड़ा क्यों गीला है भाई, इसमें पानी के कण हैं, तो जब तेज़ी से घूमता है तो पानी के कणों का केंद्र से तो कोई कनेक्शन है नहीं, समझ रहे हो ना बात को, तो इन सभी कणों पर केंद्र से बाहर को एक आभासी बल लगता है। तो ये जब जैसे ही आप ड्रायर चालू करते हो वॉशिंग मशीन का, तो सभी पानी के कण छर 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 करके बाहर आ जाते हैं, अब वो कपड़े में पानी के कण नहीं रह जाते हैं, थोड़ा बहुत सुखाने काम फैन कर देता, कपड़ा सूख के निकल आता है। समझ में आई बात? तो समझ में आया होगा आप लोग का केंद्र बल और इसके उदाहरण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग बने रहिए चैनल पर, लगातार विश्वास बनाए रखना, पूरी फिजिक्स पढ़ाऊँगा,
आप लोग को दिसंबर के पहले पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा। देखो बेटू है क्या ना, अभी हमें यूट्यूब से इतना मिलता नहीं है कि हम अपना सब कुछ छोड़ करके इस पर लग जाएं, और हमने डिसीजन सोच रखा है कि भविष्य इन फ्यूचर अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हमारी रोजी रोटी दाल रोटी जो खाते पीते हैं वो इससे चलने लगे या किसी और सोर्स से चलने लगे, तो हम ज़रूर आप लोग के लिए ही समर्पित हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छा लगता कि हम बहुत दूर दूर तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है कि एक जगह से बैठे बैठे इतने दूर तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को भी पढ़ा पा रहे हैं जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, जिनके पास मतलब कि स्कूल जाने के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो उन सबको भी हम पढ़ा ले रहे हैं, इस बात की खुशी है। बस आप लोग परेशान न हो, ये एक वीडियो कम से कम मैं रोज़ देता रहूँगा, और जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।